हेलो गाइस, मेरा नाम हसान सिद्दीकी है। मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले एक ब्रांड के बारे में जिसका नाम है अपसिलॉन। और इन्होंने अपने 3 परफ्यूम लॉन्च करें जो कि उन्होंने हमें भेजे थे रिव्यू करने के लिए। ये इनका एक सैम्पल सेट आता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, सबसे पहले इनका जो परफ्यूम है वाइल्ड ब्लू, इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो मुझे इस ब्रांड का फील लगा वो काफ़ी अच्छा है। पहली बात तो ये एक इंडियन ब्रांड है और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहा है। इसके बॉक्स पे आप डिटेल देख सकते हैं, इनके जितने भी बॉक्स हैं सारी चीज़ों इन्होंने काफ़ी अच्छे से करी है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। बॉक्स अगर आप देखेंगे, ये एक पेपर बॉक्स है, आई थिंक इसको शायद हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स बोलते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बॉक्स की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इस पर इनकी MRP वगैरह मेंशन है, पीछे सब लिखा हुआ है और बैच कोड है, जितना भी कहाँ पर बन रहा है, कौन बना रहा है वो सब। और ये है इसकी बॉटल। अब बॉटल भी जो है ये भी काफ़ी इंडियन बॉटल है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बॉटल है। इसमें एक इन्होंने एक हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश शेड दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और इसका जो कैप है ये है तो प्लास्टिक, लेकिन फील काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है। और इनकी प्रेजेंटेशन में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो है इनका स्प्रे। अगर आप स्प्रे देखेंगे तो मैं एक स्प्रे आपको करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल आप देखिए स्प्रे के ऊपर, इस तरह की स्प्रेयर जो है मैंने इंडियन ब्रांड में आज तक नहीं देखा। अब बहुत सारे इंडियन ब्रांड मैंने ट्राई करे आज तक, ये स्प्रेयर जो है बहुत कम हाउसेस हैं जो यूज़ करते हैं। ये आप इसका कंट्रोल देखिए ना, मतलब प्यारी हो जाए इस तरह का है। तो चलिए अब इसकी स्मेल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो परफ्यूम है वाइल्ड ब्लू, जैसे नाम से पता है ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है। और बॉक्स के ऊपर जो भी सारा ग्राफिक का काम है उससे भी ये लगता है कि ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है। और इसमें इन्होंने जो नोट मेंशन करे हैं वो है सी वाटर, लैवेंडर, मिंट, कोरिएंडर, जैस्मिन, जेरेनियम, एम्बर, ओकमॉस, वाइट मस्क। अब ये जितने भी नोट हैं इसको एक समझ लीजिए, जब आप इसको स्प्रे करते हैं जो इसका जो सबसे पहला बस्ट आता है उसके अंदर आपको एक हल्की सी फ्रेश ऐसा लगता है जैसे समंदर की स्मेल को बॉटल में कैप्चर किया है। काफ़ी रिफ्रेशिंग स्मेल है। मिंट आई थिंक काफ़ी उठ के आ रहा है इसमें के अंदर, जो लेवेंडर का नोट है काफ़ी उठ के आ रहा है। लेकिन जो मेन इसके अंदर जो प्लेयर है वो है वाटरी नोट, जो कि काफ़ी अच्छे से नोट्स को वेल राउंड करके रख रहा है। और जिस हिसाब से इसकी MRP है 1599, जो कि आई थिंक अभी डिस्काउंट चल रहा है तो शायद आपको 1399 रुपये का पड़ेगा, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि बहुत सारे आपने ब्रांड देखे होंगे जो आप मतलब नाम तो काफ़ी बड़ा है लेकिन जब आप स्प्रे करते हो तो फर्स्ट एक सिंथेटिक सब बस्ट आता है, वो इन परफ्यूम्स में मुझे नहीं मिला। लॉन्जिविटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुकता है। मैंने इसको 3 से 4 बार लगाया है, हर बार मुझे ये 7 से 8 घंटे की जो लॉन्जिविटी है ये स्किन पे देता है। और कपड़ों पे मैंने इसको 10 से 12 घंटे के बाद भी स्निफ किया है। और इसका ड्राई डाउन भी काफ़ी अच्छा है, स्लाइटली पाउडरी हो जाता है विथ वाइट मस्क के नोट के साथ आई थिंक वो है। और इसके अंदर जो ये वाटरी नोट है वो थ्रू आउट चलता ही रहता है, लाइक लास्ट तक चलता है। इसका प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप जब लगाओगे तो आसपास के लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर है क्या, क्योंकि ये स्मेल काफ़ी एक्सेप्टेबल है। मतलब क्योंकि इससे जो है कोई ऑफेंड नहीं होगा कि भाई आपने क्या लगा लिया। काफ़ी सिंपल ब्लू फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी स्मेल। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपके परफ्यूम्स को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये ज़रूर उनको पसंद आएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे परफ्यूम की जिसका नाम है शूटिंग स्टार। और इसकी भी MRP 1599 है। बॉटल इसकी भी सेम है लेकिन इसका जो कलर है थोड़ा सा ज़्यादा ब्लूइश है। और उसकी वजह भी आई थिंक बॉटल और जो नोट प्रोफाइल है काफ़ी सिमिलर हैं, ऐसा एकदम आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा कि बॉटल पीली बना दी और परफ्यूम की स्मेल कुछ और जा रही है, तो उस तरह का नहीं है। मैं बताता हूँ कि ये कैसे स्मेल करता है। ये भी काफ़ी अच्छा एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके बेस में जो है एक वुडी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और इसके जो नोट्स हैं इसमें सी वाटर, हेजलनट, नटमेग, ऑरेंज ब्लॉसम, ब्लैक पेपर, एम्बर, पचुली एंड सैंडलवुड। तो इनिशियली जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करोगे तो इसमें एक काफ़ी एक्वाटिक नोट आती है, काफ़ी एक फ्रेश एक्वाटिक नोट है। साथ में इसके एक स्वीट सा नोट है, हल्का स्वीट एक्वाटिक फ्रेग्रेंस बनता है ये। और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन कर जाता है एक कह सकते हैं वुडी, स्वीट और एक वाटरी नोट। तो वाटरी नोट स्टार्टिंग में जो काफ़ी हेवी होता है धीरे धीरे कम होता जाता है और एंड में जो ये है स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस बन जाता है जो कि काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। मैंने इसको लगाया क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो मेरे परफ्यूम्स को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो उन्होंने इस परफ्यूम को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मेरी स्किन पे ये कम से कम 8 घंटे रुकता है, कपड़ों पर तो बहुत ज़्यादा रुकता है। मैंने नेक्स्ट डे तक इसकी स्मेल को जो है कपड़े पर महसूस किया है। तो अगर आपको एक एक्वाटिक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, शूटिंग स्टार बाय एप्सिलॉन।
अभी जो हमने दो परफ्यूम की बात करी, वाइल्ड ब्लू और शूटिंग स्टार, ये दोनों जो है समर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब इनको गर्मियों में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मुझे लगे। जो हमारा तीसरा परफ्यूम है जिसका नाम है गोल्डन सैंड, कुछ इस तरह का बॉक्स आता है इनका, पीछे भी इस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इनकी। और इसकी बॉटल जो है एक आपको एम्बर कलर का वो देगी, एक फील आता है, इससे लगता ही है कि भाई एक फूडी फ्रेग्रेंस है। स्प्रेयर इसका भी लाजवाब है। स्प्रेयर के मामले में मुझे ये जो है सबसे अच्छे स्प्रे अभी तक लगे, मतलब इस तरह के स्प्रेयर मैंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड जो है नीच ब्रांड उनमें मैंने देखे हैं। और ये एक कह सकते हैं कि विंटर वाला फ्रेग्रेंस है, ये ज़्यादातर मतलब सूटेबल होगा विंटर के लिए। तो इसकी जो स्मेल है इनिशियली काफ़ी ऐसा स्वीट लगती है और बैकग्राउंड में एक वुडी स्मेल आती है और एक इंसेंस का नोट होता है, लेकिन वो स्वीट इंसेंस होता है जो कि काफ़ी रिजम्बल करता है लैबडेनम की स्मेल से। तो इसके जो नोट्स हैं इसमें आपको मिल जाएगा मैंड्रिन, लैबडेनम, सैफ्रॉन, पचूली, थैफ्रोज, कैरमल, एम्बर, मिर, सैंडलवुड। तो ये जो सारे नोट्स हैं ये सब मिलके इस परफ्यूम को काफ़ी एक अरेबिक फील देते हैं और ये विंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक मेरे कज़िन ने इसको अपनी शर्ट पे लगाया था और मैंने दूसरे दिन उसकी इस शर्ट से इस परफ्यूम को स्मेल किया था और काफ़ी नोटिसबल था। एक बार में स्मेल करके पता लग गया कि ये गोल्डन सैंड ही है, जो कि एक नया परफ्यूम आया जो कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो एक सैफ्रॉन का नोट है तो थोड़ा सा स्पाइसी को लेके आता है, लेकिन इसमें जो नोट्स हैं जैसे तैफ्रोज हो गया, तो इसके अंदर जो इंसेंस का नोट है उसको ये काफ़ी एक अलग यूनिक सा टच दे रहे हैं। पचूली है साथ में इसमें और इसमें एम्बर की काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस है, स्वीट तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ये परफ्यूम आपको एक प्रॉपर अरेबिक टच देता है। अब ये जो तीनों परफ्यूम है इनको मैंने काफ़ी अच्छे से लगाया, काफ़ी बढ़िया से इनको मैंने यूज़ किया है और आप भी मेरे हिसाब से इनको ट्राई करिए। आप अगर ले सकते हैं तो 100 ml सीधा ले लीजिए, वरना इन्होंने अपने सैंपल से टेक निकाला है जिसके अंदर इन्होंने अपने तीन परफ्यूम्स दिए हैं और इसकी कॉस्टिंग इन्होंने रखी है कुछ इस पर लिखा हुआ 799 रुपये, लेकिन मैं अभी इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था जिस पर इन्होंने इसकी अभी सेल प्राइस रखी हुई 699। तो इसमें इन्होंने 8 ml के तीन परफ्यूम्स दिए हुए हैं, तो आप इनके पहले सैंपल ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत कम ब्रांड होते हैं जो इतना श्योर होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सैंपल देना पसंद करते हैं, वरना ज़्यादातर ब्रांड कोशिश करते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बॉटल बेचो, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं कुछ नहीं, बस परफ्यूम बेचो निकलो। ये इनका काफ़ी अच्छा है, लाइक इनका सैंपल सेट की क्वालिटी आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया चीज़ है, आप इसको ट्राई करिए। तो आप ये परफ्यूम्स खरीद सकते हैं इनकी वेबसाइट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।